पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय कैलाश जी, सांसद बीपी सिंह जी और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश महामंत्री सतीश जी पूनिया, विधायक शिवजी राम जी, विधायक केसाराम जी, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर जी, जिला अध्यक्ष हमारे सुभाष जी बहेड़िया, मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह जी, शहर मंडल अध्यक्ष अशोक जी व्यास, और यहाँ उपस्थित मंच पे और आसपास भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता बंधु, हाँ कीर्ति जी का नाम है कीर्ति जी, और उपस्थित यहाँ मेरे बैठे हुए सब महानुभाव दोनों तरफ, महिलाओं के ऊपर तो आप लोग सब बैठ गए तो एक कोई ऐसी जगह, हाँ माताएं बहने, आपको सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब चीज के बीच में आप ऐसी बैठी रही हैं जम के। मुझे लगा कि इतनी सब भगदड़ में है, मालूम नहीं क्या हो जाएगा, महिलाएं इधर उधर हो जाएंगी। आपको देख के मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी प्रेरणा स्रोत राजस्थान की ये महिलाएं हैं, जिन्होंने इतनी कठिनाई के अंदर से भी अपना काम करने में कहीं पीछे नहीं रहे। इसलिए आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोग सब इतने प्यार से यहाँ स्वागत किया है। साथ साथ में मेरे सब भाई और बुजुर्गगण, आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने तो एक नया नजारा दिखाया, बाजार में कहीं कहीं दिखे, और जैसे जैसे बस अंदर आई उस बस के साथ आप लोगों ने भी एक जोरदार भीड़ के साथ यहाँ आने का ये काम कर दिया, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जोरदार तरीके से और बड़े प्यार के साथ ये काम दिखाया है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। एक और नई चीज जिसके लिए मैं आभार जताना चाहूंगी वो ये है कि पहली दफा मैं देख रही हूँ कि मेरा जो सपना है 36 के 36 कौम और सब मजहब को साथ लेके चलना अपने परिवार के रूप में, वो सपना यहाँ साकार होता मुझे दिखाई दिया। यहाँ सब मजहब के लोग, यहाँ जाति के लोग, यहाँ सब जाति के लोग, और यहाँ मैंने जो माने हुए दो जातियां हैं, एक तो महिला जात और एक पुरुष जात, वो सब जाति के लोगों ने यहाँ आके अपना प्रेम जता के ये सबको दिखा दिया कि यहाँ का परिवार बिल्कुल एक है, और एक आवाज के साथ अपने विकास के अंदर पूरी तरह से भाग लेना चाहता है, और अपने कंधे के ऊपर राजस्थान को आगे ले जाने का काम अपने ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा है। आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आज आप लोगों के बीच से निकलते हुए मुझे ये चौथा संभाग है, और करीबन 4,000-4,500 किलोमीटर मैंने पूरे किए हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो मौसम अच्छा था, अब धीरे धीरे उसमें गर्मी आने लगी है, और जब तक हमारा ये काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक 50-55 डिग्री से अपन निकलेंगे तो राजस्थान का पूरी गर्माहट वो देखने को मुझे मिलेगा क्षेत्र के अंदर, आपके दिल के अंदर, और आप लोग सबसे मिलके मुझे तो विश्वास है कि ये गर्माहट 55 डिग्री तक तो पहुंच ही जाएगा। दूसरा, आज तो फूल वालों ने तो अपने सब फूल बेच लिए होंगे, या कोई फूल कमी नहीं रहा, जिस तरीके से आप लोगों ने लाके फूल से लाद दिया और अपने प्यार से हमको बांध दिया। मैं वाकई में आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम इस प्यार के पागल हैं। आप प्यार देते रहोगे हम लोग दौड़ते रहेंगे, आप चुंदड़ी पहनाते रहोगे हम लोग उस चुंदड़ी की इज्जत को रखने के लिए दौड़ते रहेंगे, और हम आप सबको विश्वास देना चाहते हैं कि आपने अपने परिवार का मान के मुझे जो प्यार दिया है उसमें आपको कभी नीचे नहीं देखने दूंगी। आपकी इज्जत और आपके स्वाभिमान को बनाए रखने का काम ये इस परिवार का मैं हमेशा करने की कोशिश करूंगा। इन कुछ दिनों के अंदर ऐसा जो मैंने दौरा किया, उस दौरे को देख वाकई में मैं आश्चर्यचकित हुई। मैंने सोचा कि 65 साल 65 साल निकल गए जब से लोकतंत्र हमको मिला, और उस 65 साल के अंदर बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। अगर आप कोई भी बाहर के देश में गए हो या किसी ने उसकी तस्वीरें टेलीविजन पे देखी है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बाहर की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हमारे साथ की दुनिया भी आगे पहुंची है,
बाजू में लगा हुआ मध्य प्रदेश, वहां 10 साल उनके मुख्यमंत्री को मिला तो उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के नक्शे के ऊपर ला के रख दिया। उधर गुजरात का आप देख लीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री को 15 साल उनके लोग ने दिए और उस गुजरात को उन्होंने देश के ही नहीं पर दुनिया के नक्शे के ऊपर ला के रख दिया। विकास नाम की चीज अगर देखना है तो मैं समझती हूँ कि वहां जाकर देखना जरूरी है। राजस्थान में भैरव सिंह जी को आपने 7 साल दिए और मुझे आपने 5 साल दिए। जब आपने मेरे को मुख्यमंत्री बनाया था तो उस समय राजस्थान की कैसी हालत थी वो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। बीमारू प्रदेश माना जाता था राजस्थान, गड्ढे में पड़ा हुआ था राजस्थान और सबने मुझे चुनौती दी थी कि हम देखते हैं कि क्या आप इस गड्ढे में पड़े हुए राजस्थान को फिर से अपने पैर पे क्या खड़ा कर सकते हो। हमने चुनौती आपकी स्वीकारी और चुनौती स्वीकार करके राजस्थान को गड्ढे में से निकाल के परिश्रम करके उसको अग्रणी पंक्ति में ला के खड़ा करने का 5 साल के अंदर काम किया। आप लोग सब इस चीज को मानते हो कि जो जो आपकी मुसीबत है उनको पूरा आप लोगों ने करने की कोशिश की थी, परंतु जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में जादू नहीं है। एक व्यक्ति तो उतना ही कर सकता है और एक व्यक्ति तो उतना ही कर सकता है जितना परिवार उसके पीछे ताकत देता है। आपने ताकत दिया, हम लोगों ने 5 साल काम किए, पर कहा 5 साल और कहा 55 साल जो एक छत्र राज कांग्रेस का रहा। अगर कोई प्रदेश है जिसके अंदर कांग्रेस का राज है तरीके से रहा है तो उनमें से एक राजस्थान है। 55 साल देने के बाद आज हम लोगों को इस गड्ढे में बैठना पड़ रहा है, तो कैसी विडंबना है। उधर मध्य प्रदेश 10 साल में निकल गया, गुजरात 15 साल में निकल गया और 55 साल देने के बाद हम लोग ऐसे बैठे हैं। मजाक करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान वोट कहाँ जाएगा, वो तो अपने जेब का है, जब समय आएगा चुनाव का तो हम कहेंगे भाजपा आके खा जाएगी तो हमारी गोद में क्या जाएगा, तो मुसलमान को हम डरा डरा के उनके वोट लेंगे। 55 साल हो गए अभी तक हमको वोट देते जाए गए हैं, कहाँ जा सकते हैं, वो तो हमारे जेब के वोट है। एससी और एसटी के बारे में हंस के कहते हैं ये तो बंधुआ मजदूर है, इनको तो हमने जेब का वोट माना है, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पास तो जाने वाले नहीं है, इनको तो आगे चल के चुनाव के अंदर तो हमें ही वोट देना है। हम कांग्रेस वालों को ये चुनौती देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि कोई भी किसी का बंधुआ मजदूर या बंधुआ वोट नहीं है, ये जो भी वोट है वो सब जो व्यक्ति हैं वो सब के सब राजस्थान के इज्जतदार स्वाभिमान व्यक्ति हैं और वो भूखे सो जाएंगे परंतु अपने इस इज्जत को खिलवाड़ बनने नहीं देंगे, अपनी इज्जत के साथ खेलने नहीं देंगे। और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो सब लोग एक स्वर में आज एक आवाज निकाले हैं कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारे बीच में लड़ाई नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बीच की लड़ाई जो है उसकी वजह से हमारा विकास रुका पड़ा है। हम सब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम सब एक चीज चाहते हैं और वो है राजस्थान का विकास, क्योंकि राजस्थान के विकास के साथ हम सबका विकास जुड़ा हुआ है। अगर हम सबका विकास उसके साथ जुड़ा होगा, जिस दिन राजस्थान आगे निकल जाएगा उस दिन हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं चाहे किसी भी जात के किसी भी मजहब के छोटे बड़े कैसे भी हों, हम सब उस विकास के साथ जुड़ जाएंगे। मैं आज आपकी बात कर रही हूँ, 4-2 महीने से तो मैं देखते आ रहा हूँ, ये आपकी मुसीबत है। कभी कभी देख के रोना आता है, नदियों के पास होने के बावजूद भी पैदल 2 या 3 दिन में एक बार आता है, क्या यह सही है? पैदल लाइनें पुरानी और जर्जर है तो उसकी वजह से उसके अंदर से गंदा पानी पहुंचता है जिसकी वजह से आप लोगों को बीमारी होती है कि नहीं? कितने साल निकल गए, कौन आता है देखने के लिए? आज हम कह रहे 55 साल निकल गए, 55 साल की लाइनें पड़ी हुई है, कितनी सारी पुरानी लाइन पड़ी हुई, उसका आपको पीना पड़ रहा है गंदा पानी। मैं आज इस पानी की माताएं बहने पानी की लड़ाई लड़ने आपके बीच में आई हूं। बिजली बिल में मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मैंने सरकार छोड़ी थी तो हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें आपको अलग से मैंने लाइन दिलवाई थी महिलाओं के लिए, एक सिंगल फेज की बिजली की लाइन, वो घर के अंदर आपको बिजली देने का काम, और उसमें हमने जब छोड़ा था तो 18 से 20 घंटे बिजली आने लगी थी और हमारा 5 साल और मिल जाते तो आपको घर के अंदर बिजली की कोई किल्लत नहीं होती, ये मैं आपको आज विश्वास कराना चाहता हूं। पर
हमारी सरकार गई 8 दिसंबर को और 13 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार आई और 5 दिन में वो बिजली गुल हो गई। कहां चली गई किसी को नहीं मालूम, किधर चली गई किसी को नहीं मालूम। ये तो लापरवाही का काम है, जहां लापरवाही करती है सरकार इसी वजह से हम लोगों को दुख, क्योंकि वो तो एसी में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये तो मैं निकली हूं इस यात्रा के अंदर कि आज इसकी वजह से उन लोगों को भी आना पड़ रहा है संदेश यात्रा के अंदर, नहीं तो ये कोई भी संदेश यात्रा के अंदर कोई निकल के आता, कोई भी नहीं आता। और इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर बिजली की बात है किसानों के अंदर, अभी आप रुक जाओ बैठ जाओ इसके बाद बोलेंगे, आप अगर किसान की बात करते हैं तो किसान के अंदर जाके पूछ लीजिए। मुझे बताया जाता है कि 2, 3 या 4 घंटे बिजली मिलती है और वो भी इतनी जोरदार कटिंग होती है कि उन बेचारों को जिस तरीके से बिजली मिलनी चाहिए वो बिजली नहीं मिलती। मिलती है क्या? कहीं कहीं में रस्ते में आई तो 5-5 दिन तक बिजली नहीं मिली थी। और मैंने जब उनसे पूछा तो मेरे को ये बताया गया कि हमारा ट्रांसफार्मर कई दिनों से, मैंने महीने हो गए हमारा ट्रांसफार्मर बिगड़ा हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं ठीक कराते? उनने बोला ठीक करा के वापस लाएंगे भी तो जब तक हम रिश्वत नहीं देंगे तब तक हमारा ट्रांसफार्मर हमको वापस नहीं मिलने वाला है। 20,000-25,000 रुपए जब तक हम इनको नहीं देंगे तब तक हमारा ट्रांसफार्मर हमको वापस नहीं मिलेगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 72 घंटे में हमारे समय में आप लोगों को ट्रांसफार्मर मिला करता था, आज महीने निकल जाते हैं, दिन निकल जाते हैं और लोगों को बिजली घरों के अंदर नहीं मिलती है। यह क्या बेटा है? यह आपको बताना पूछना चाहूंगी, रिको औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है क्या? यहाँ ITI खुलनी चाहिए थी, आप लोगों ने कहा था कि ITI खुल जाएगी तो हमारा फायदा हो जाएगा, पर वो भी नहीं हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बालिका स्कूल में लेक्चरर नहीं है, अस्पताल में एक डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर है और डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर की जोरदार कमी है, अल्पसंख्यक भाइयों को सरकार की योजनाओं का लाभ बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, जबकि दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, व्यवसायिक कस्बा होने के नाते कृषि मंडी खोली जाएगी आपकी मांग है, पर छोटी मांग है, कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं है, हो भी सकती थी। यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकले हैं लेकिन खेलों के विकास के लिए कोई भी काम क्या हुआ है? अच्छा, जयपुर के अंदर जो आपको सुनाई देता है उसके बारे में भी आपको पूछना चाहूंगे, या कोई है जिसको मुफ्त दवाई की योजना में नामांकित हुआ है? कोई है जिसको मुफ्त जांच की गई है? कोई है जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है? कोई है जिसको 50,000 रुपए के हिसाब से क्या बोलते हैं मकान बंगले के लिए पैसे मिले हैं? रिश्वत निकालो भैया, उसमें से रिश्वत आपके 10,000 रुपए तो जाने ही जाने हैं, मिलेगा तो मुश्किल से, अगर कोई मिलता है तो 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। सही बात है क्या? मैं बात आपको बता दूं कि पूरे क्षेत्र के अंदर मेरे को पीने के पानी की जोरदार किल्लत मिली। और आज माताएं बहने मैं आपको सबको कहना चाहती हूं कि हम आपको संकल्प लेके आते जाते हैं कि हम लोग आपकी पानी की लड़ाई लड़ने तैयार हैं। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे क्योंकि 55 साल बाद ये मूलभूत सुविधाएं अगर हम लोगों को नहीं मिल रही है तो लानत है ऐसी सरकार, लानत है ऐसी सरकार पर। नंबर एक है राजस्थान, सबसे दूषित पानी पीने वाला अगर कोई राज्य है तो देश के अंदर नंबर एक राजस्थान। शर्म आनी चाहिए, जहां फ्लोराइड का अधिक मात्रा में है जिसकी वजह से लोग उबड़े हो जाते हैं, जिनको बीमारियां हो जाती हैं, जिनके दांतों के अंदर रोग हो जाता है, ये फ्लोराइड की वजह से आज हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। 62,000 धानी ऐसे हैं जिसमें स्वच्छ पानी से हम लोग पूरी तरह से वंचित हैं। 48% जल स्रोत पीने योग्य ही नहीं है, 48%, यानी आधा राजस्थान जहर का पानी पी रहा है। सोचो 30 जिले में पानी योग्य पीने लायक नहीं है और उसमें भीलवाड़ा एक है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकती हूँ? मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ये पानी की लड़ाई, ये बिजली की लड़ाई और क्या है ये आपकी सड़क की लड़ाई। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस जिस क्षेत्र के अंदर मैं गई हूँ वहां ऐसी जर्जर सड़कें मेरे को मिली है और गांव वालों ने कहा कि जरा गांव के अंदर आके देख तो जाओ, आप तो बाहर देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो खराब है तो अंदर आके देख लो कि गांव की कैसी बदतर हालत है, तब आपको मालूम पड़ेगी। क्या ये सही है? सब मेरे को ये कह रहे हैं
मैं इसके साथ कह रही हूँ कि अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है तो वो कौन सी सरकार है जो हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने पैर पे खड़ा करके उनको रोजगार दे। हमने अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी दी थी, रोजगार दिया था, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां हमको मिली थी। आज 4.5 साल निकल गए परंतु 50,000 से कम लोगों को नौकरी मिली है। और मैं कहना चाहती हूँ कि कर्मचारियों के पद खाली है, 1 लाख से ज्यादा टीचर के पद खाली हैं, कई डॉक्टर के पद खाली हैं और बच्चे ऐसे सड़क पे घूम रहे हैं। अगर हम लोगों ने भर्तियां करवा दी होती तो ये सब पद भर जाते और आज आप लोगों को गांव के अंदर ये मुसीबत में बैठने की जरूरत नहीं होती। परंतु ये सरकार तो बस खाने पीने और भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, उसको कोई सुध नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। देश का जवाई रॉबर्ट वाड्रा यहाँ आया तो 3 डिस्ट्रिक्ट के जमीन उनको दे दी। गरीब को तो नहीं मिला परंतु बीकानेर, जैसलमेर और आपका बाड़मेर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है उनको पैसा, उनको जमीन नहीं मिली, परंतु रॉबर्ट वाड्रा को जितनी जमीन चाहिए थी उनको देने में पीछे नहीं हटे और फिर उन्होंने वो जमीन आगे बेच दी। तो समझो कितने लाखों करोड़ रुपए बना के जेब में इस राजस्थान के अंदर से बाहर गए। इसी तरीके से कांग्रेस की सरकार ने किसी को छोड़ा नहीं है, किसी ने होटल बना लिए, किसी ने खान ले लिए, किसी ने नौकरियों पे कब्जा कर लिया, मौज मस्ती चल रही है, परंतु जनता का क्या हाल है उनको चिंता नहीं। इसको चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि अब तो सबको लड़ा देंगे, चुनाव का टाइम आएगा हम सबको लड़ा देंगे और लड़ा देने के बाद जब समय आएगा तो हम रेवड़ी बांटेंगे और लोग हमारी बातों में आ जाएंगे, हम पैसे देंगे, हम उनको लाभ देने की कोशिश करेंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे तो वो हमारी झोली में आके बैठ जाएंगे। मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ कि यार रेवड़ी बांटने के बजाय जब 2008 के अंदर हमने सरकार छोड़ी थी तो भामाशाह योजना माताएं बहने में छोड़ के गई थी। आपको मालूम है, आपने भामाशाह योजना के बारे में सुना है। आज उसी भामाशाह योजना के ऊपर आधार योजना देश के अंदर बनाई गई है, कोई छोटी मोटी नहीं है। वो आधार जो बनी है वो आधार हमारे भामाशाह योजना के ऊपर बनी है। उस भामाशाह योजना के अंदर 50 लाख परिवारों को मदद करने के हमने काम किया था। उसमें महिलाओं के द्वारा उनको प्रोत्साहन राशि 1500 रुपए से देके उनका बैंक अकाउंट खुलवाते, उनको कार्ड दिलवाते और उस कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए स्वास्थ्य बीमा में हम लगा देते, उसके अंदर पेंशन भी जाता और अलग से पैसे भी जाते, एसटी को लघु सीमांत कृषक को, इन सब लोगों को पैसा मिलता। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज रेवड़ी बांटने के बजाय तब दे देते तो 3.5-4 साल क्या लोगों को उसका फायदा नहीं होता कि नहीं होता? सब बैठे हुए हुआ आपको फायदा होता, क्यों 4 महीने का हमको रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं? हमको देना ही था तो 4.5 साल देते तो हमारे लोग यहाँ खुश हो जाते। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अब आपके बीच में फिर आएंगे, फिर आपको धमकाएंगे, फिर आपको डराने की कोशिश करेंगे और आप लोग सबको कहेंगे कि या तो बाहर कांग्रेस को वोट दो या देख लेना जैसे हमने गुलाब कटारिया को दिखा दिया है, देख लेना जैसे भारतीय जनता पार्टी को हम दबाने का काम कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग सब एक है और एक ही आवाज में हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ खड़े रहेंगे और कोई भी धमकाए डराए हम उनके धमकाने और डराने के अंदर आने नहीं वाले हैं। हम लड़ेंगे, ये जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई के अंदर हम लोग लड़ के जीत के आएंगे। एक जोरदार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और माता बहने, आप लोग सबको और मेरे इस परिवार को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा।